तो दोस्तों आज हम बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक के बारे में। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में यहाँ पर लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.15% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 639 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट, एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 625, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 616 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 601 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 653 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी, एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 676, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 700, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 725, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 750 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अभी अगेन 800 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।